दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही बड़ी खुशखबर है। आप सभी ने ई श्रम कार्ड निकाले होंगे, तो ई श्रम कार्ड के बारे में ये खबर है। तो मुझे आज ही मैसेज आया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी 12:55 पे 55 मिनट पे आया है। भारत सरकार योजना का लाभ ले रजिस्टर ई श्रम यूज़र UAN लॉगिन। आप देख सकते हैं ऊपर VM ई श्रम कार्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर VM ई श्रम कार्ड, तो ये गवर्नमेंट इंडिया ने मुझे मैसेज भेजा है। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से भी। 8 मिनट पहले मुझे अभी अभी मैसेज आया है कि आप चेक कर ले। मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मुझे UAN नंबर बता रहा है, मतलब मैंने जो ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन किया था उसका UAN नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होगा। उसके बाद जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक OTP आएगा उसी नंबर पे जिस नंबर पे आपने ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया है। अगर आपने ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सब तो चलिए देखते हैं ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जाता हूँ ई श्रम पे। मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा इस वीडियो में। ई श्रम कार्ड पे सबसे पहले वेबसाइट क्लिक कीजिए, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम, यहाँ पर आप क्लिक करें। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करें तो एक ऐसा पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको जिस नंबर के साथ आपका आधार लिंक है वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। आधार कार्ड लिंक, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको एक कैप्चा फिल करना है, जैसे कि A6CHEW6, आपको शायद दूसरा कैप्चा मिलेगा। उसके बाद आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नो पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नो पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने एंटर मोबाइल नंबर नहीं किया है, तो मेरा मोबाइल नंबर कोई भी डाल देता हूँ शायद। जीरो जीरो ये देखिए, सेंड OTP हुए, आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए, मुझे OTP आया है। यहाँ पर आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है अभी। उसके बाद आपने OTP एंटर करने के बाद आधार नंबर अपना डालना है। उसके बाद आपको OTP, ये देखिए, फिंगरप्रिंट। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट ये है तो आप फिंगरप्रिंट डाल सकते हैं, या फिर आप OTP से ही करिए, वो सबसे बेटर है। उसके बाद आपको आधार नंबर एंटर करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको OTP डालने हैं। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद में एग्री पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है, और मैंने OTP पे ऑलरेडी वो चूज़ है। उसके बाद मैंने आप कैप्चा फिल किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये चेक बॉक्स है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे
इंटर ओटीपी का मैसेज आया है, मैं अभी ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ, आपको भी अपना ओटीपी डालना है। आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं उसके बाद ये पेज ओपन हुआ है, योर पर्सनल पर्टिकुलर, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर कुछ फिल करना नहीं है क्योंकि पर्सनल डिटेल्स वो अपने आधार कार्ड से आती है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये तो आपका डेट ऑफ बर्थ से ही लिया जाता है। उसके बाद एड्रेस नहीं, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो चलिए देखते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या। सबसे ऊपर अपने जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दिया है जिस पे ओटीपी आया था वो ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट है। उसके बाद आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना है तो आप दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं, मैरिड स्टेटस, अनमैरिड, मैरिड, उसके बाद फादर नेम, सोशल कैटेगरी, उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप है तो देना है, नहीं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स, मतलब आपकी पेंशन आपको मिलती है तो अगर आप नहीं रहे किसी वजह से तो आपके वाइफ को मिलेगी। उसके बाद आपको इसलिए आपको नॉमिनी डिटेल्स अपनी वाइफ को बनाना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये होने के बाद आपको रेसिडेंटल डिटेल्स, होम, नेटिव स्टेट मीन्स आप किस राज्य के हो, हरियाणा, पंजाब, आप से भी आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है आपको, मतलब आपका शहर। और उसके बाद आप अर्बन है या रूरल है, मतलब आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, और उसके हिसाब से हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट डबल चूज़ करना है, पिन कोड वगैरह, ये सब डिटेल भर के आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन एंड स्किल ये खुलेगा, उसके बाद आप ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं, आपकी ऑक्यूपेशन आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद आपका एक यूएएन नंबर जनरेट होगा, उस यूएएन नंबर को हम अगली वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूएएन नंबर डाल के हमारा स्टेटस कैसे देखे और हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, तो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।